नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन क्या होती है? द डिग्री टू विच अ सब्सटेंस इज मैग्नेटाइज्ड व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटाइजिंग फील्ड। किसी भी मैग्नेट को जब मैग्नेटाइज, किसी भी सब्सटेंस को मैग्नेटाइज किया जाता है किसी मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखने की वजह से। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरे पास कोई एक मैग्नेट हो, अगर हम उसको कुछ दिनों के लिए, मे बी 1 ईयर के लिए या फिर फ्यू मंथ्स के लिए हम उसको किसी आयरन नील के साथ रख दें, तो हम देखेंगे कि कुछ टाइम के बाद वो जो नेल है उसमें भी, वो भी क्या करेगा, मैग्नेट की प्रॉपर्टीज जो है वो शो करना शुरू कर देगा। वो भी नेल कुछ टाइम के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए, जो आयरन की थिंग्स हैं या कुछ भी हैं, उन जो भी मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट कर सकती है मैग्नेट, वो सारे मटेरियल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा। उसको हम बोलते हैं मैग्नेटाइजेशन, और इसको हम डिनोट करते हैं आई के साथ। मैग्नेटाइजिंग फील्ड क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड विच मैग्नेटाइज द सब्सटेंस प्लेस्ड इन इट। जहाँ पे हमने किसी भी सब्सटेंस को मैग्नेटाइज किया है, वहाँ की जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसको हम बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड। कितने एरिए तक वो जो है वो मैग्नेटाइज हो सकती है, उसको हम बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या होती है? किसी की कितनी इंटेंसिटी है डिपेंड करता है उसके वॉल्यूम के ऊपर। ओके, जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है पर यूनिट वॉल्यूम, उसको हम बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। आई क्या होगा? अब हमारे पास एम अपॉन बी, एम है मैग्नेटाइजेशन, अभी है हमारे पास वॉल्यूम। एम क्या होता है? एम क्या है हमारे पास? डायपोल मोमेंट। तो डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या था? एम इंटू 2L, वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। वॉल्यूम होता है ए इंटू 2L, 2L के साथ 2L कैंसिल हो जाएगा, सो एम अपॉन ए। ऐसे यूनिट कितना आ जाएगा? ए एम माइनस 1। डायमेंशन कितनी आएंगी? एम 0, एल माइनस 1, टी 0, ए। नेक्स्ट वन इज अ मैग्नेटिक इंडक्शन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी। जो मैग्नेटिक इंडक्शन है उसको हम डिनोट करते हैं बी के साथ, और इंटेंसिटी को हम डिनोट करते हैं एच के साथ। व्हेन अ मैग्नेटिक सब्सटेंस इज प्लेस्ड इन करंट कैरिंग सोलेनोइड, जब किसी करंट कैरिंग सोलेनोइड में किसी मैग्नेट को प्लेस किया जाता है, तो उस टाइम पे जो सब्सटेंस है वो मैग्नेटाइज होना शुरू हो जाता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की। ओके, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी हमारे पास? बी इज इक्वल टू बी नॉट प्लस बी एम। जो बी एम है वो क्या है? मैग्नेटाइजिंग मैग्नेटिक फील्ड। ओके, या फिर मैग्नेटिक इंडक्शन भी बोल सकते हो आप इसको। वेयर बी नॉट क्या है हमारे पास? म्यू नॉट एन आई। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ड्यू टू मैग्नेटाइजिंग सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटाइजेशन के। सो बी एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटाइजेशन आई। बी एम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आई के, तो बी एम कितना आ जाएगा? म्यू नॉट आई। म्यू नॉट क्या है हमारे पास? प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट, जिसको हम एब्सोल्यूट परमिटिविटी भी बोलते हैं। सो बाई यूजिंग इक्वेशन नंबर 2 एंड 1 को जब हम यूज करेंगे, यहाँ पे वैल्यू को पुट करेंगे, तो हमारे पास ये रिलेशन आ जाएगा, दिस इज कॉल्ड अ मैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, नाउ मैग्नेटिक इंटेंसिटी। इंटेंसिटी क्या होती है? रेशो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एब्सोल्यूट परमिटिविटी, दोनों की रेशो। जहाँ से हम बी नॉट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, उसको जब पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो बी कितना आ जाएगा? म्यू नॉट एच प्लस म्यू नॉट आई। बी आ जाएगा म्यू नॉट एच प्लस आई, बी अपॉन म्यू नॉट एच प्लस आई। यहाँ से हम एच की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, सो दैट इज अ बी अपॉन म्यू नॉट माइनस आई। तो इसके ऐसे यूनिट भी कितने होते हैं? एम्पियर मीटर इनवर्स। ओके, सो बी नॉट कितना है? म्यू नॉट एन आई। तो यहाँ पे अगर हम पुट करें अपना इक्वेशन नंबर 4 में, तो एच कितना आ जाएगा? म्यू नॉट एन आई अपॉन म्यू नॉट एच आ जाएगा हमारे पास एन आई। ओके, बी की वैल्यू आई थी बी नॉट प्लस म्यू नॉट आई, और एच की वैल्यू आ रही है हमारे पास एन आई। नेक्स्ट वन इज अ मैग्नेटिक परमेबिलिटी। अब मैग्नेटिक परमेबिलिटी क्या होती है? जिसको हम डिनोट करते हैं म्यू के साथ। द एक्सटेंट टू विच मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कैन एंटर अ सब्सटेंस। यहाँ से कोई भी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हैं, जहाँ उनको कोई भी सब्सटेंस एंटर कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक परमेबिलिटी। पावर ऑफ कंडक्टिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स बाय सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स को क्रॉस करना, अंदर आना, उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक परमेबिलिटी। इसका फॉर्मूला होता है म्यू इज इक्वल टू बी अपॉन एच। यहाँ से हम बी की वैल्यू निकालेंगे, म्यू एच ऐसे यूनिट होंगे इसके टेस्ला, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के यूनिट क्या होते हैं हमारे पास? टेस्ला। और एच के क्या थे? एम्पियर मीटर इनवर्स। तो टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स। ओके, सो नेक्स्ट वन इज
जिसकी डायमेंशंस क्या होंगी, MLT-2 A-2। रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी, ये क्या होती है, रेशियो ऑफ फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटिक इंडक्शन इनसाइड द मटेरियल टू फ्लक्स डेंसिटी इन वैक्यूम। जो वैक्यूम में मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन होगी और जो वैसे मैग्नेटिक इंडक्शन है, दोनों की रेशियो को हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी, जिसको हम डिनोट करते हैं म्यू आर के साथ। जहाँ पे दोनों की वैल्यूज पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, म्यू अपॉन म्यू नॉट। ओके, सो नेक्स्ट वन इज म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट आर आ गया। जो म्यू आर है वो क्या, हमारे पास एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। सो मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी, ससेप्टेबिलिटी जो है इसको हम डिनोट करते हैं काय के साथ। हमने इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी के बारे में डिस्कस किया था, अभी हम करेंगे मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी में। तो इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस विच शो हाउ इजली द सब्सटेंस कैन बी मैग्नेटाइज्ड व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटाइजिंग फील्ड। जब किसी भी सब्सटेंस को किसी भी मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखा जाता है तो वो कितनी जल्दी जो सब्सटेंस है वो मैग्नेटाइज्ड हो जाता है, उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी, और इसको डिनोट करते हैं काय के साथ, काय एम। सो काय एम किसके इक्वल हो जाएगा, आई अपॉन एच। सो इट इज़ डायमेंशनलेस, इट इज़ ऑल्सो डायमेंशनलेस। सो अब हमने रिलेशन फाइंड करना है मैग्नेटिक परमेबिलिटी एंड मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी के बीच में। तो वी नो दैट बी क्या है, म्यू नॉट एच प्लस आई, डिवाइड करेंगे बोथ साइड बाय एच, तो हमारे पास आ जाएगा बी अपॉन एच इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन एच, एच प्लस आई। बी अपॉन एच इज इक्वल टू म्यू नॉट आई वन, एच के साथ एच कैंसिल हुआ, वन प्लस आई अपॉन एच, इसको मैंने इक्वेशन नंबर टू दे दिया। वी नो दैट बी अपॉन एच किसके इक्वल था, म्यू के इक्वल होता है। आई अपॉन एच किसके इक्वल होता है, काई एम के इक्वल होता है। तो हम ये वाली वैल्यू जहाँ भी पुट करेंगे तो म्यू कितना आ जाएगा, म्यू नॉट वन प्लस काई एम। तो म्यू नॉट को डिवाइड करोगे, म्यू अपॉन म्यू नॉट कितना आ जाएगा, वन प्लस काई एम। म्यू अपॉन म्यू नॉट किसके इक्वल होता है, म्यू आर के इक्वल। तो म्यू आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वन प्लस काई एम। सो म्यू आर क्या है हमारे पास, मैग्नेटिक परमेबिलिटी, और काई एम हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी। दिस इज अ रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक परमेबिलिटी एंड मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी।